नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमृत सिद्धि योग क्या होता है, ये कैसे बनता है और इसकी क्या उपयोगिता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, अमृत सिद्धि योग। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक अच्छा मुहूर्त किसी भी कार्य की सफलता होने की संभावनाओं को बहुत हद तक बढ़ा देता है। अमृत सिद्धि योग वार और नक्षत्र के योग से बनता है। वार मतलब सोमवार, मंगलवार और नक्षत्र हमारे जैसे अश्विनी, भरणी। और मैं बताता हूँ कि कौन से वार और कौन से नक्षत्र का जब संयोग होता है तब अमृत सिद्धि योग बनता है। अगर रविवार को हस्त नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग बनता है। सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र हो, मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो, गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, शुक्रवार को रेवती नक्षत्र हो, शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो, तो वार और नक्षत्र के संयोग से यह शुभ योग बनता है। अब इसको अमृत सिद्धि योग क्यों कहते हैं? ये योग अमृत के समान सिद्धि देने वाला होता है। अमृत के बारे में आप सबको पता ही है कि अमृत एक नया जीवन प्रदान कर सकता है। इसी तरह इस योग में जब कोई भी शुभ काम किया जाता है तो वो काम पूरी तरह से सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो अमृत सिद्धि योग है, शास्त्रों में इसके बारे में लिखा गया है कि ये सब प्रकार की समृद्धि और सिद्धि देता है। इसे बहुत ही शुभ योग मानते हैं। अमृत सिद्धि योग में जैसे मैंने आपको बताया कि वार और नक्षत्र के संयोग से यह बनता है, इसमें दिन गुरुवार और उसी दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इसको गुरु पुष्य योग भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करता है। अमृत सिद्धि योग में जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो वो बिना किसी रुकावट के काम पूरा हो जाता है और वो काम सफल हो जाता है। अमृत सिद्धि योग का उपयोग नए घर में प्रवेश करने के लिए, गृह निर्माण कार्य शुरू करने के लिए और कोई भी शुभ काम जैसे घर में पूजा शुरू करनी है उसके लिए इस योग का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ सावधानी की भी ज़रूरत होती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो, मतलब दिन मंगलवार और उसी दिन अश्विनी नक्षत्र हो, तो इन दोनों का जो संयोग बनता है उस दिन अपना गृह निर्माण और गृह प्रवेश, इसको
त्यागना चाहिए। शनिवार का दिन हो और उसी दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो इसमें यात्रा को त्यागना चाहिए। और इसी तरह गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो तो इस संयोग में विवाह को त्यागना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी सिद्धि योग के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।